और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था, आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं ब्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं, ये 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूंगा। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता, अगर विकसित नहीं होता ये प्रदेश तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा इसका चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी दूसरी जाति का काम करती थी, कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र आ गया। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टिकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए, चली तुष्टिकरण के आधार पर चली, और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को, अखिलेश बाबू नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, हमने लोगों का जो पैसा था, लोगों का जो अधिकार था, उसको अपने घर में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को हम सब जानते हैं, मगर तनिक मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं।
समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो था या नहीं था। बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते, बहन बच्चियों को सम्मान